हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग जॉय में आप लोगों का स्वागत है। 2021 आज सऊदी अरब में होने जा रहा है क्राउन ज्वेल। अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज, कुछ रेसलर्स अपने प्राइवेट जेट में सऊदी पहुंच चुके हैं। सेथ रॉलिंस और रेटेड एज सुपरस्टार एज के बीच हेल इन अ सेल मैच होगा। एज वर्सेस सेथ और एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में काफी सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही केस में एज के ओपोनेंट अपना लिमिट क्रॉस कर दिया था और एज के करियर खत्म करने में लगे पड़े थे। सेथ रॉलिंस एज को थ्रेटिंग वार्निंग दे दिया है। सेथ रॉलिंस पहले हफ्ते एज के हाउस में बवाल मचाया था। हेल इन अ सेल मैच इन दोनों के फ्यूड का परफेक्ट रिजल्ट है। फैंस एज को विनर बनते देखना चाहता है, लेकिन सेथ रॉलिंस इस मैच में कुछ न कुछ सातिर दिमाग चलाने वाला है। ड्रू मैकइंटायर WWE टाइटल अपने नाम करने में बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। क्राउन ज्वेल में हमें ड्रू वर्सेस बिगी का एक एक्सप्लोसिव रेसलिंग मैच देखने को मिलेगा। ड्रू स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुए हैं और हाल ही में बिगी WWE चैंपियन बने हैं। ऐसे में WWE नहीं चाहेगी कि बिगी को इतना जल्दी चैंपियनशिप से हटाया जाए। बिग एंडिंग क्लेमोर किक के ऊपर भारी पड़ने वाला है। WWE के दो फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरस्टार बॉबी लेस्ली और गोल्डबर्ग क्राउन ज्वेल में नो होल्ड्स बेयर्ड मैच में आमने सामने होंगे। समरस्लैम में ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली गोल्डबर्ग के बेटे के ऊपर अटैक कर दिया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सऊदी अरब में गोल्डबर्ग अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। इंटरव्यू में बॉबी लेस्ली ये कहा है कि चाहे जो हो जाए एंड में वही विनर बनने वाले हैं। इस मैच में हमें हार्ट बिजनेस का इंटरफेयर देखने को मिल सकता है।